नमस्ते, वेलकम बैक टू अंकनिश क्रिएशंस। तो मैंने थोड़े दिन पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको एक स्टोरी टाइम वीडियो देखना पसंद करोगे, लाइक हाउ आई गॉट माय फर्स्ट पेंटिंग ऑर्डर। एंड फ्यू ऑफ यू गाइस हैव सेड यस, सो आई सेड चलो लेट्स शूट दैट। ये आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो अबाउट हाउ आई गॉट माय फर्स्ट पेंटिंग ऑर्डर, एज यू कैन रीड फ्रॉम द टाइटल। और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूँ कि मैं कोई ऐसे आर्टिस्ट टाइप की नहीं हूँ या एक पेंटर टाइप का कुछ नहीं है। आई एम अ लर्नर एंड आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट टूल्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। और मेरी जर्नी एक लर्नर की जर्नी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस चैनल पे। सो या हाउ आई गॉट माय फर्स्ट पेंटिंग ऑर्डर, तो वी मूव्ड टू डबलिन फ्रॉम इंडिया इन 2017। तो तब ना फारिन बहुत छोटा था, ही वॉज लाइक 3.5 मंथ्स जब मैं उसको यहाँ लेके आई थी। तो उसके बाद कुछ टाइम तक मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट करना उतना पॉसिबल था नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट करना शुरू किया, वापस वीडियोस डालना शुरू किया। और फिर उतने फ्रेंड्स भी नहीं थे तब, एक दो फ्रेंड्स थे तो बस हाँ उन्हीं से होता था। फिर नेक्स्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, जो मेरी सबसे पहली फ्रेंड बनी थी डबलिन में, मृणाली, तो वो मुझे एक पॉटलक में लेके गई। लाइक उसने बोला कि ये पॉटलक हो रहा है, चलो चलते, कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो हाँ मैं गई उस पॉटलक में, और वहाँ पे मैं एक जिन्होंने वो पॉटलक होस्ट किया था, कैरोलिन नाम है, वो अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से मिली, मुझे इतना अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था डबलिन आए हुए और मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिली और ऐसे जान पहचान हुई। फिर क्या हुआ उसके बाद, जब निशांत का बर्थडे था तो मैं निशांत के बर्थडे पे निशांत के लिए एक ईजल लेके आई। मैं जनरली ईजल पे पेंट नहीं करती, मेरे को नीचे बैठ के और वैसे पेंट करना अच्छा लगता है, बट निशांत इज़ लाइक ही इज़ नॉट इन टू मोर पेंटिंग और समथिंग, बट उनको वो कभी कभी पेंट करते हैं लाइक एब्स्ट्रैक्ट। तो जब भी वो पेंट करते हैं ना, ही लाइक्स लाइक प्रॉपर पेंटिंग सेटअप, और जैसे एक प्रॉपर आर्टिस्ट कैसे ईजल पे सेटअप करके और पेंट करता है ना, ही लाइक्स दैट वे। सो आई थॉट लेट मी गिफ्ट यू अ ईजल। तो निशांत ने कुछ दिन तक तो ईजल, उनको टाइम नहीं मिला यूज़ करने का। तो मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे कि आई डिड अ पेंटिंग लाइक बीच लैंडस्केप पेंटिंग विद यूजिंग ओनली 1 ब्रश। तो वो मैंने उस ईजल पे शूट किया, मेरे का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा शूटिंग भी और ऐसे। तो तब क्या हुआ, वी यूज टू लिव इस घर से पहले, हम जहाँ रेंट पे रहते थे, धूप आ रही है यार, बट ठीक है, इट्स ओके। हम जहाँ रेंट पे रहते थे वहाँ पे हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, और यहाँ पे ना कैसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज होती है, लाइक एक वॉल रूम की एक वॉल पूरी विंडोज विंडो टाइप की होती है, मतलब कांच की होती है। तो मैं पेंट कर रही थी, अपना वीडियो शूट कर रही थी ईजल पे, और नीचे से मेरी जो फ्रेंड है कैरोलिन, वो पास हो रही थी। तो उसने, उसको नहीं पता था मैं यहाँ रहती हूँ, बट उसने वो विंडो से मैं दिखी उसको, क्योंकि मैं विंडो के जस्ट बाजू में पेंट कर रही थी। तो उसने मुझे देखा कि मैं पेंट कर रही हूँ, और उसने फिर आवाज़ लगाई और हमने ऐसे ही 2 मिनट बात करी, क्योंकि ऐसे चिल्ला चिल्ला के तो कितनी बात करेंगे ऊपर नीचे। तो हमने ऐसे ही बात करी और उसको पता चला कि मैं पेंट वेंट भी करती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट का सबको पता था, बट पेंटिंग का उतना पता नहीं था। तो यार बहुत धूप आ रही है, थोड़ा आगे आ जाऊँ, अब ठीक है। तो हाँ, तो फिर उसके बाद उसके साथ उसके हस्बैंड भी थे। तो जब वो लोग घर गए, आई थिंक शायद मेरी उससे बात हुई उससे आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद कुछ उसका कॉल आया वापस, और उसने बोला कि मेरे हस्बैंड को कुछ काम है तो वो बात करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उनने बोला कि दे वर लुकिंग फॉर सम पेंटिंग्स जो वो अपने इंडिया वाले घर में या ऑफिस में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हमारी क्या बात हुई थी, लगाना चाहते।
तो उन्होंने फिर उसके लिए कांटेक्ट किया कि क्या आप बना दोगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बट मैं अंदर से इतनी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैंने कभी ऐसे बनाई नहीं थी, और मुझे पता था मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस ये मुझे पता था कि मुझे लर्न करने का शौक है और मैं कुछ भी करके जी जान लगा के अच्छे से बनाऊंगी, और ऐसे सब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था बट एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। तो ऐसे फिर मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। फिर उन्होंने कुछ अपने इमेजिन नहीं क्या बोलेंगे कुछ अपने सैम्पल टाइप के फ़ोटोज़ भेजे कि किस टाइप की पेंटिंग वो चाहते हैं, और फिर मैंने उनको बोला कि मैं धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करती हूँ। उनको टोटल 5 पेंटिंग चाहिए थी, तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करती हूँ और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप मना कर सकते हो, लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो फिर हाँ, फिर मैंने थोड़े दिन लगे ऑब्वियसली मुझे बनाने में, और मैंने एक एक करके 5 पेंटिंग्स बनाई इधर उधर से थोड़ा इंस्पिरेशन लेकर, और ऐसे जैसा उनको चाहिए था उस टाइप से। और फिर मैंने उनको कॉल किया कि आपकी पेंटिंग्स रेडी है, आप देखना चाहोगे, और मेरी बैंड बजी हुई थी उस दिन, मुझे लगा कि आप बता पसंद आएगी नहीं आएगी। और फिर वो लोग, और मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले इस टाइप का पेंटिंग सेल करने का, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यूं ही घर बैठे बैठे ऐसे रैंडमली ऑर्डर मिल जाएगा। तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं अच्छे से कैनवासेस खरीद के लाई, न्यू कलर्स खरीद के, मेरे पास बहुत सारे कलर्स थे फिर भी मैं न्यू कलर्स लेके आई कि मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और फिर मैंने बनाई और उनको बुलाया देखने के लिए। फिर जब वो देखने आए ना, तो हमने एक जो बड़ी पेंटिंग थी वो ईजल पे लगाकर और उस पर कवर लगाकर और ऐसे प्रॉपरली अच्छे से सेटअप किया था, और सारी पेंटिंग का अच्छे से कवर करके रखा था। और फिर मैं बहुत नर्वस थी, सच में बहुत नर्वस थी, मुझे बस ये लग रहा था कि बस उनको पसंद आ जाए, बस उनको ऐसे नहीं लगे कि यार हमने किसको दे दिया ऑर्डर। तो फिर उनको दिखाई और एक एक करके मतलब दिखा रहे थे, तब मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ थी, और एक एक और उनको सारी पेंटिंग्स पसंद आई, मुझे इतना खुशी कभी फील नहीं हो रही होगी। और जब वो आकर पेंटिंग देखकर गए, मैंने कोई प्राइस भी नहीं बताई, क्योंकि मैंने कहा यार मैंने कभी सेल ही नहीं करी, मुझे नहीं पता कितना चार्ज करना चाहिए या मैं कितनी केपेबल हूँ चार्ज करने के लिए। तो मैंने उनको बोला इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पे फॉर दिस, एंड मतलब कि ज़्यादा ऐसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि फ्रेंड है या कुछ है, आपको जो लगे आप पे कर देना, मुझे नहीं पता मुझे क्या चार्ज करना चाहिए सच में। क्योंकि मैं वो अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चार्ज करना चाहिए था, सो मैं वो बताऊँगी भी नहीं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सारी पेंटिंग्स, मुझे इतनी खुशी हुई वो जानकर। और उस समय ना इंडिया यहाँ से, यहाँ के टाइम के हिसाब से इंडिया समर्स के टाइम पे 4.5 hours आगे होता है, और अभी विंटर्स के टाइम पे 5.5 hours, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा मंथ था, बट शायद 4.5 hours आगे था इंडिया। तो इंडिया में सब सो चुके थे, मुझे अब किसी के साथ तो ये न्यूज़ शेयर करनी थी कि मैंने अपना पहला पेंटिंग ऑर्डर डिलीवर किया सक्सेसफुली और पसंद आई मेरी पेंटिंग्स। तो मैंने बस अपने फैमिली ग्रुप्स में मैसेज कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जो भी जग रहा था, आई थिंक जीजू जग रहे थे, तो उनका मैसेज आया, मैं इतनी खुश हो गई कि किसी को तो पता चला, वरना मुझे नींद नहीं आती उस दिन रात को। तो या ऐसे हुई मेरी, और फिर वो एक दो दिन बाद लेने आए थे क्योंकि प्रॉपरली पैक करके और मुझे देना था, तो एक दो दिन बाद लेने आए थे और पेमेंट करके गए थे। एंड या ऐसे मिला था मुझे अपना फर्स्ट पेंटिंग ऑर्डर, इट वॉज सो सरियल, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। और उससे ना मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं शायद ये चीज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे मैंने अपना कस्टमाइज्ड पेंटिंग, कमीशन पेंटिंग का ऑर्डर्स लेना यहाँ पे स्टार्ट किया, और सीजनल डेकोर्स बनाने स्टार्ट किए, जैसे दिवाली पे आई मेक हैंडमेड दियाज एंड दिवाली डेकोर्स, एंड राखी पे सब, क्रिसमस पे तो अलग। तो उस ऑर्डर से ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और एक आगे का रास्ता
समझ आया क्योंकि मैं वैसे भी सब कुछ वापस स्क्रैच से स्टार्ट कर रही थी, यूट्यूब पे भी वीडियोस, क्योंकि ब्रेक आ जाता है ना तो फिर व्यूज़। या मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कुछ भी हो सकता है यार, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आती है और हमें रास्ता समझ आने लग जाता है। तो बीइंग होपफुल, बीइंग हैप्पी एंड अपने ड्रीम्स की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ रास्ते मिलते जाते हैं। तो हाँ, ये था मेरा फर्स्ट पेंटिंग ऑर्डर, मुझे कैसे मिला उसका स्टोरी टाइम। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, इससे हमारे बीच शायद एक कुछ कनेक्शन बनता है ऐसे वीडियो से। सो या आई रियली होप यू ऑल लाइक्ड इट, कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। और हाँ, बस यार अपने ड्रीम्स की तरफ मेहनत करो, उसके अलावा सब भगवान पे छोड़ दो मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही चीज़ हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं। सो या आई रियली होप यू ऑल लाइक्ड इट, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड या सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव पिंक क्रिएटिव, बाय बाय।